मेरा नाम टाइगर संतोष नायर है और मैंने वादा किया था आपसे कि हर फ्राइडे को मैं आऊंगा और आपको एक बीएससी दूंगा, एक बिजनेस सॉल्यूशन कैप्सूल दूंगा। आज का जो कैप्सूल है बहुत ही सुंदर है, वो गुस्से के ऊपर है। क्रोध का क्या आप सदुपयोग कर रहे हो या दुरुपयोग कर रहे हो? आर यू यूजिंग एंगर फॉर द राइट कॉज और फॉर द रॉन्ग रीजंस और रॉन्ग कॉज? मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को गुस्सा होते हुए देखता हूं और मैं कभी कभी सोचता हूं ये गुस्सा तो कुछ क्रिएट नहीं कर रहा है, ये गुस्सा कुछ निर्माण नहीं कर रहा, ये गुस्सा तो सिर्फ डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो मैंने इसके ऊपर स्टडी किया कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग गुस्से हुए और उन्होंने अपने गुस्से का क्या किया। मिसाल के तौर पे अगर हम महात्मा गांधी को देखें, उनको साउथ अफ्रीका में ट्रेन से उठा के बाहर फेंक दिया टिकट कलेक्टर ने। उन्होंने जाके टिकट कलेक्टर या जस्टिस डिपार्टमेंट या उधर के ऑफिशियल से जाके झगड़ा बिगड़ा नहीं किया, इमीडिएटली उन्होंने उस गुस्से को यूज किया और ये जो अन्याय हुआ है उसका जो गुस्सा हुआ और वो गुस्से को यूज किया, एक ग्रुप ऑफ पीपल को, एक पूरी महासमुदाय को संगठित किया इस देश में आके, इंडिया में आके, और उस गुस्से को यूज करते हुए, सभी को संगठित करते हुए और उस गुस्से को डायरेक्ट करते हुए एक नॉन वायलेंस मूवमेंट के माध्यम से उन्होंने इस देश की आजादी की जंग को शुरू की उस गुस्से के वजह से और इस देश को आजाद किया कई साल लड़ने के बाद। तो गुस्से को यूज किया एक आजाद इंडिया बनाने का, तो कुछ निर्माण हुआ, एक देश आजाद देश का निर्माण हुआ। गुस्से को यूज किया गया, उसका सदुपयोग किया गया, उसका दुरुपयोग नहीं किया गया। इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, कोलाबा में अपना जहां पर आज ताजमहल होटल खड़ा है, ताज पैलेस होटल खड़ा है, वहां पर उसके सामने क्लब है और क्लब में लिखा हुआ है, ये 1900 की बात है, वहां पर क्लब में लिखा हुआ इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। एक आदमी जमशेद जी नौरोज जी को इस बात से बहुत गुस्सा आया, बहुत बहुत वो अपसेट हुए, एंग्री हुए और उन्होंने द ताज पैलेस होटल को क्रिएट किया। तो गुस्से का सदुपयोग हुआ और एक बहुत ही आलीशान 5-स्टार होटल का निर्माण हुआ और आज भी 100 साल के बाद वो एक आइकॉनिक होटल के मफत चल रहा है, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स का सबसे डार्लिंग होटल है ताज पैलेस होटल, बहुत सुंदर बनाया क्योंकि गुस्से को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज किया है एक बहुत आलीशान होटल को क्रिएट करने के लिए। अब्राहम लिंकन बहुत अपसेट था कि स्लेवरी हो रहा था, गुलामी किया जाता था, लोगों को चेन के साथ बांध के रखा जाता था, तो वो बहुत गुस्सा हुए और स्लेवरी को अबॉलिश करने के लिए जंग छेड़ दिया, गुस्से को वापरा और स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया। बाबा साहेब अंबेडकर बहुत अपसेट होते थे कि अच्युत लोगों को पीछे में जो इन्हों झाड़ू बांध के घूमना पड़ता और गले में लोटा लगा के घूमना पड़ता, थूकना है तो लोटे के अंदर और जहां से चलते हैं झाड़ू मारते हुए चलना है, ये जो देखा था ये अपसेट किया बाबा साहेब अंबेडकर को, अपसेट किया, एंग्री किया और उन्होंने अछूत लोगों के खिलाफ, अछूत के अछूत जो ये जो कॉन्सेप्ट था ये अछूत है, इसको टच नहीं करना है, ये कॉन्सेप्ट के खिलाफ आवाज उठाई और इसको इंडिया से निकाल दिया, अनटचेबिलिटी को निकाल दिया। महात्मा ज्योतिबा फुले इस बात से बहुत एंग्री थे, बहुत ही गुस्से में थे कि गर्ल्स को, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जा रहा था और उन्होंने एक अभियान चालू किया और आज से 200 साल पहले उन्होंने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने गर्ल्स के एजुकेशन के लिए और विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया। मैं जब डोर टू डोर सेल्समैन था 1985 में यूरेका फोर्ब्स में, मैं घर घर में जाके वैक्यूम क्लीनर बेचता था तो कॉलोनियों के बाहर, बड़े बड़े कॉलोनी और बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट्स के बाहर, कोई ऑफिसेस के बाहर ये लिखा हुआ है, डॉग्स एंड सेल्समैन नॉट अलाउड। मुझे बड़ा गुस्सा आता था,
पहली बात तो मैंने उस गुस्से को यूज किया और एक ग्रेट सेल्समैन बना मैं, और ग्रेट सेल्स मैनेजर और सेल्स लीडर बना, पैसा इज्जत नाम शोहरत बहुत कमाया और बहुत लोगों को मैंने सेल्स की ट्रेनिंग दी और लिबरेट किया, ये कम्युनिटी को अपडेट किया, अपग्रेड किया और सेल्स का ये प्रोफेशन को मान सम्मान दिया। मैंने गुस्से को यूज किया और जहां पर भी ये लिखा हुआ था मैं उस मालिक को जाके झगड़ा करता था, मतलब उससे मैं बताता था, झगड़ा नहीं मैं बताता था कि एक सेल्समैन नहीं होगा तो ये कंट्री नहीं चलेगा, एक कंपनी नहीं चलेगा, ये देश नहीं चलेगा, क्योंकि सेल्स के बंदे ही हैं जो जाके अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है। और मैंने इस गुस्से को वापरा, अपने ऊपर वापरा, अपने आप को डेवलप करने के लिए मैंने उस गुस्से को वापरा और मैंने हजारों लोगों के लाइफ को बदला। और मैंने ये गुस्से को यूज किया कि एक सेल्समैन कैसा होना चाहिए, एक आइडियल सेल्समैन कैसा होना चाहिए जिससे कि लोगों का उसके तरफ देखने का नजरिया बदल सके। मैंने गुस्से को यूज किया। जब जब सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है आपको गुस्सा होना है, जब जब इनडिस्क्रिमिनेशन होता है आपको गुस्सा होना है, जब जब कोई सिस्टम और फॉलो प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहा आपको गुस्सा होना है, जब भी कोई आदमी गलत काम कर रहा है आपको गुस्सा होना है, गुस्से का सदुपयोग होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है तो यू नो कि गुस्सा होना चाहिए, गुस्से का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, गुस्से का सदुपयोग होना चाहिए। यू नो मैं बहुत गुस्से में हो जाता हूं जब आदमी अपने आप को डेवलप नहीं करता, मैं बहुत गुस्से में आ जाता हूँ जब मेरे जो कस्टमर्स हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता, मैं बहुत गुस्से में हो जाता जब मेरे रिव्यू का टीम रिव्यू करने के लिए मेरे कस्टमर्स के पास जाते हैं और वो लोग वो रिव्यू नहीं देते, तो मैं बहुत गुस्सा होता हूँ उस कस्टमर पे भी और उस रिव्यूअर पे भी कि तूने अपने आप में इस तरह का क्वालिटी नहीं बिल्ड किया जिससे कि वो कस्टमर तुझे ना नहीं बोल सके। तो गुस्सा यूज करना, गुस्से का सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना है। यू नो जब आदमी ग्रो नहीं होता तो मैं गुस्सा होता, जब आदमी इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो मैं गुस्सा होता, जब आदमी खुद पे डेवलपमेंट करने के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं करता तो मैं गुस्से में आ जाता हूँ, मैं अपसेट होता हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ, मैं आवाज उठाता हूँ, मैं लोगों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए गुस्सा हो रहा हूँ, मैं लोगों को परिवर्तित और रूपांतरित करने में गुस्सा हो रहा हूँ। यू नो आई यूज माय एंगर, मैं ये गुस्से को यूज कर रहा हूँ लोगों को ट्रैक पे वापस आने के। आप ये गुस्से को किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? आप ये गुस्से को किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? गुस्से का क्या आप सदुपयोग कर रहे हैं क्या दुरुपयोग कर रहे हैं? एक कॉज के लिए गुस्सा होना है, एक कॉज के लिए ब्लैक मूवमेंट के लिए आपको गुस्सा होना है, और अनटचेबिलिटी के लिए गुस्सा होना है, डिस्क्रिमिनेशन के लिए गुस्सा होना है, देश की आजादी के लिए गुस्सा होना है, कंपनी को महान बनाने के लिए गुस्सा होना है, टीम को बढ़िया बनाने के लिए गुस्सा होना है, ड्रीम टीम बनाने के लिए गुस्सा होना है, एक एनोइंग टीम के लिए गुस्सा नहीं होना है, एक ड्रीम टीम बनाने के लिए गुस्सा होना है। और गुस्सा कुछ निर्माण करने का, गुस्सा शुड बी द इंग्रेडिएंट फ्यूल फॉर द कॉज, और आपका कॉज बड़ा होना चाहिए, वो जो कॉज है वो कॉज बड़ा होना चाहिए और उस कॉज के लिए एंग्री होना चाहिए। अगर आप हर वो फालतू चीज के लिए एंग्री हो रहे हैं इसका मतलब है आपका गुस्से का दुरुपयोग हो रहा है, आप गुस्से को यूज कर रहे हैं गलत चीज के लिए, उससे आपको कोई भी चीज का क्रिएशन नहीं होगा। तो क्रिएशन करना है तो गुस्सा कीजिए, निर्माण करने के लिए गुस्सा कीजिए। यू नो व्हाट इज योर कॉज फॉर गेटिंग एंग्री? अगर आपके पास कोई बड़ा कॉज नहीं है तो आप एंगर का मिसयूज कर रहे हैं, आप दुरुपयोग कर रहे हैं, आप उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। यू नो विदाउट अ कॉज डोंट बी एंग्री, एंड द कॉज हैज टू बी बिगर देन यू, द कॉज हैज टू बी बिगर देन यू, आपका कॉज आपसे बढ़िया होना चाहिए। महात्मा गांधी का कॉज उसके जन्म यू नो लाइफ से बड़ा था, अब्राहम लिंकन का कॉज फॉर स्लेवरी उसके लाइफ से बड़ा था, मार्टिन लूथर किंग का कॉज उसके लाइफ से भी बड़ा था, उसके लिए उसने जान दे दी, अब्राहम लिंकन ने जान दे दी, ही वॉज असैसिनेटेड, और मार्टिन लूथर किंग ने जान दे दी, ही वॉज असैसिनेटेड, और महात्मा गांधी ने जान दे दी, ही वॉज असैसिनेटेड। Therefore, my dear friends, उससे का सदुपयोग कीजिए। मेरा नाम टाइगर संतोष नायर है। हम कंपनी के अंदर भी आपको गुस्सा होना है सिस्टम डालने के लिए, प्रोसेस डालने के लिए,
चीजों को बढ़िया बनाने के लिए, प्रोडक्ट को बढ़िया बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी को बढ़िया बनाने के लिए आपको गुस्सा होना है, सिस्टम यू नो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रति यू नो लोगों के प्रति भावना को जगाना है उसके लिए आपको गुस्सा होना है। तो मैं कहूंगा कि आपका कॉज जो है बड़ा होना चाहिए और गुस्से का आपको सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मेरा नाम टाइगर संतोष नायर है, मैं स्मार्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज का चेयरमैन हूँ, ट्रू स्कूल्स फॉर एंटरप्रेनर है और मैं चेयरमैन हूँ संतोष नायर नॉलेज प्रोडक्ट्स का, यू नो जहाँ पर हम ऑडियोज और वीडियोज और बुक्स और मर्चेंडाइज वगैरह देते हैं आपके ग्रोथ के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक एंड सी यू सून, बाय बाय।